इनेलो के अंदर सियासी संग्राम चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इनेलो में टूट अब तकरीबन तय है। गुरुग्राम में इनेलो की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सांसद दुष्यंत चौटाला और उनके भाई दिग्विजय चौटाला पर सख्ती के संकेत मिले हैं। हालांकि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को सौंपा गया है। चौटाला ने इस मामले को अनुशासन समिति को देकर 25 अक्टूबर को रिपोर्ट देने को कहा है। इसके बाद इस पर निर्णय किया जाएगा। परंतु कुछ लोगों द्वारा वहाँ पर जो वोटिंग की गई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उस पे एक्शन लेते हुए कि अपनी जिम्मेवारी को सही ढंग से जो लोग नहीं निभा पाए, हमारी जो 300 की यूनिट थी, जो हमारा स्टूडेंट विंग है लोकदल का, उसको और हमारी युवा इकाई को उन्होंने भंग कर दिया था। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि जो भी अनुशासनहीनता करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जेल वापस लौटने से पहले ओम प्रकाश चौटाला ने कार्यकारिणी की आपात बैठक बुलाई थी। अब गोहाना रैली में हुटिंग का मामला चौटाला ने अभिनेलो की अनुशासन समिति को सौंप दिया है। अनुशासन समिति 25 अक्टूबर से पहले सारे तथ्य जुटाकर दुष्यंत और दिग्विजय पर कार्रवाई करेगी। समिति इस बारे में रिपोर्ट देगी और 25 अक्टूबर को ओम प्रकाश चौटाला जब मेडिकल चेकअप के लिए तिहाड़ जेल से एक दिन के लिए बाहर आएंगे तो इस पर अंतिम फैसला करेंगे। ये प्रधान जी बताएंगे, क्योंकि संगठन का काम जो है वो पार्टी का जो प्रदेश का अध्यक्ष होता है उसकी जिम्मेवारी होती है, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसकी जिम्मेवारी है किन के खिलाफ एक्शन लेना है, किन के खिलाफ कार्रवाई करनी है, ये काम इनका है। मेरा जो काम है, मुझे जो पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी दी गई है, वो केवल एक है कि प्रदेश के लोगों के साथ अगर सरकार कहीं कोई अन्याय करे तो विपक्ष के नेता के नाते मेरी एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ। वहीं पार्टी में अनुशासनहीनता पर लगाम के लिए चौटाला ने सख्त कदम उठाकर इनेसो और युवा लोक दल का नए सिरे से गठन करने की बात कही है। साफ है ओम प्रकाश चौटाला ने इस बैठक के जरिए दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला पर सख्ती के संकेत दिए हैं। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।